हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लेन है और स्पेस में एक पॉइंट है ए। यदि आप इस प्लेन को मिरर की तरह समझें तो इस पॉइंट का जो इमेज फॉर्म होगा जस्ट इसके पीछे कहीं होगा, यानी मान लीजिए ये पॉइंट है बी, तो हमें इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है इन 3D स्पेस। तो क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन रहेगा, प्लेन का इक्वेशन गिवन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इमेज या रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का फाइंड आउट कीजिए, पॉइंट ए का। तो इसको समझने के लिए मैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 5, 3, 2, यानी एक्स कंपोनेंट है 5, वाई है 3 और जेड है 2। प्लेन का इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यदि यहां से आप प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मान लीजिए प्लेन को पॉइंट एल पर इंटरसेक्ट करता है और इसका इमेज पॉइंट ए का जस्ट प्लेन के दूसरी तरफ बनेगा और ये है पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x1, y1 एंड z1। चूंकि प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है इसलिए AL और LB की डिस्टेंस सेम होगी, यानी दूसरे वे में आप बोल सकते हैं कि L AB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके आसानी से L का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x1 प्लस 5 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस 3 अपॉन 2 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस 2 अपॉन 2। चूंकि L प्लेन पर लाई करता है इसलिए इसको सेटिस्फाई भी करेगा। टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x1 प्लस 5 प्लस y1 प्लस 3 माइनस z1 और यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 प्लस y1 माइनस z1 और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर लेंगे 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 10 है, यानी ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 प्लस y1 माइनस z1 इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब डायग्राम में आप देखिए प्लेन का इक्वेशन है x प्लस y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशियंट्स को लेके आप फॉर्म कर सकते हैं वेक्टर, यानी i प्लस j माइनस k। इसके बाद AB का डायरेक्शन रेशियो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB या वेक्टर AB ऐसे आप बोल सकते हो, वेक्टर AB इज इक्वल टू x1 माइनस 5 i प्लस y1 माइनस 3 j प्लस z1 माइनस 2 k। चूंकि AB और नॉर्मल वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू सम स्केलर नंबर यानी लैम्डा टाइम्स नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इंप्लाइज x1 माइनस 5 i प्लस y1 माइनस 3 j प्लस z1 माइनस 2 k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i प्लस j माइनस k। राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं लैम्डा i प्लस लैम्डा j माइनस लैम्डा k। इसके बाद i, j और k के कोफिशियंट को कंपेयर कर लेते हैं जिससे आपको मिलेगा x1 माइनस 5
is equal to lambda, y1 minus 3 is equal to lambda है, और z1 minus 2 is equal to minus lambda है. इससे आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 5 plus lambda. यहां से y1 कैलकुलेट कर सकते हैं, y1 equals 3 plus lambda, and z1 कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 minus lambda. इसके बाद x1, y1 और z1 की वैल्यू यहां पर इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें लैम्डा मिल जाएगा. उसके बाद हम आसानी से x1, y1 और z1 फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पर मैं पुट करने वाला हूं, इक्वेशन है x1 plus y1 minus z1 is equal to 4. x1 plus y1 minus z1 is equal to 4 है. इसी में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है. This implies 5 plus lambda plus 3 plus lambda minus 2 minus lambda is equal to 4. This implies 5 plus lambda plus 3 plus lambda minus 2 plus lambda equals 4. This implies lambda है 3 times. 3 lambda plus 5 plus 3, 8 minus 2, यानि 6 is equal to 4, यानि 3 lambda equal to 4 minus 6, which equals minus 2. This implies lambda equals minus 2 by 3. अब हम x1, y1 और z1 find out कर सकते हैं, जस्ट हमें lambda equals negative 2 third put करना है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 equals 5 minus 2 third, y1 के लिए 3 minus 2 third, और यहाँ पे 2 minus minus lambda यानि 2 plus 2 by 3 हो जाएगा, जिससे आप x1 आपको मिल जाएगा 5 3 जा 15 minus 2 यानि 13 by 3, और y1 मिलने वाला है 3 3 जा 9 minus 2 यानि 7 by 3, और यहाँ पे 3 2 जा 6 plus 2 यानि 8 by 3. तो हमें इमेज का कोऑर्डिनेट पता चल गया है. यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी 13 by 3, y1 है 7 by 3, और z1 है 8 by 3. जो क्वेश्चन में गिवन था, हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट ए का इमेज फाइंड आउट करना है प्लेन x plus y minus z minus 5 is equal to 0 में. तो हमने फाइंड आउट कर लिया है. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं. यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वाचिंग.